Welcome to Time News Studios. You are watching 7 p.m. Bulletin. ही अल्ताफ जो कत्ल इंतई दर्दनाक आई बेरहमाना है उनके अल्ताफ के उते रास्ते में रोको अथन पो उनके बदो अथन आई बद्दी पो उनके गोलियों हणी कत्ल कयो वियो आ शहीद कयो वियो पहरी त असा सजी सिंध के आवाम के पने कारकुन के अपील कई है त सुभाने पुरम हड़ताल कई वने आज टंडवा लायर सजो बंद थी वियो आ एसटीपी जो मरकजी अगवान अल्ताफ जस्कानी कत्ल टंडोला यार भरसा कातलाने हमले में जख्मी थे बाद अल्ताफ जस्कानी सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दिनों एसटीपी वाके ते सुभाने सजी सिंध में हड़ताल जो सर दई चरियो सिविल अस्पताल हैदराबाद में टाइम न्यूज सा गालहाइंदे डॉक्टर कादर मक्सी वाके के टारगेट किलिंग करार दिनो चयो त अल्ताफ जस्कानी के अगवा करण बाद खेस गोलियों हयूं हुयूं हमलों सोचियल समझियल साजिश आहे लसानी तंजीम मुलविस थी सके थी अल्ताफ जस्कानी के कत्ल खिलाफ़ सोग में टंडो अलाया शहर बंद मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहिरा वाके में मुलविस जवाबदारन के बिना देर गिरफ्तार करण जो मुतालबो कोटने जी वेझो गुजरियल ॾींहुं विगो गाड़ी के बाहि लॻण सबबि सड़ी फौत ॼाणायल एएसआई बिलावल वसाण जे कत्ल जो ख़दशो ज़ाहिर पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर खूबचंद इंकशाफ़ कयो आहे त बिलावल वसाण जूं जंघूं ऐं बाहूं कटियल आहिनि मथे मां मिजालो बि निकितल हो लॻे थो त खेस बेदर्दी सां क़तल करे बाहि ॾेई साड़ियो वियो आहे पोस्टमार्टम बाद जज़ा डीएनए लाइ लम्स जाम शोरो उमाणिया विया शक जे बुनियाद ते कानूनदान सैयद महब शाह लखियारी जे पुट सकलेन शाह एवज संदस ॿियो पुट हसनैन शाह गिरफ़्तार एस एस पी खैरपुर अमीर सऊद मक्सी चयो आहे त शक आहे ए एस आई खे क़तलु कयो वियो पोस्टमार्टम ऐं डी एन ए रिपोर्ट्स अचण बाद वधीक हक़ीक़तूं साम्हूं ईंदियूं जाली को नहीं जिताया जा सका अब ये धांधली करके भी नहीं जीत सकता ये मेरी बात याद रखो नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हारी सियासत को दफन कर दिया है नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा ये नवाज शरीफ का बयानिया ही था जिसकी वजह से मैच के बावजूद तुम्हें मैंडेट नहीं मिला तुम्हें सिर्फ बाहर पर बेसाखियां मिली ऐसी इबरतनाक शिकस्त तौबा 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 केॾो न ज़ुल्म आहे यूनियन काउंसिल हलाइण जी सलाहियत न रखंदड़ शख़्स खे मुल्क जो वज़ीर आज़म बणायो वियो गिलगित बल्तिस्तान में मैच फिक्सिंग बावजूद सिलेक्टर्स खे मैंडेट बदिरां विसाखियूं मिलियूं अहिड़ी ज़िलत खां बहितर हो त घर वेही रहियो आहे नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ जो मानसहरा में जलसे खे ख़िताब मरियम नवाज़ चयो त गिलगित में नवाज़ शरीफ़ जे बयानीअ सबबि सिलेक्टेड जी सियासत दफ़न थी वई सिलेक्टेड खां कुझु पुछा कयो त चवंदो आहे मां ऐं इदारा हिकु पेज ते आहियूं मरियम नवाज़ इमरान ख़ान जो नालो वठणु बदिरां चयो त अव्हां मुल्क खे ॾिनो छा आहे जो गिलगित बल्तिस्तान जो अवाम अव्हां खे वोट ॾिए हा नून लीग जे जलसे खे एहसन इक़बाल ऐं ॿियनि अॻवाननि बि ख़िताबु कयो सूबाई फंड्स मां शहर ठीकु नथा थी सघनि असराइतो मकानी निज़ाम ई मसइलनि जो हलु आहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो फैसलाबाद में तक़रीब खे ख़िताबु इमरान ख़ान चयो त मकानी इदारनि में सुधारा आणे रहिया आहियूं हाणे मेयर जी चूंड सिधी रीत थींदी इमरान ख़ान ओपोज़िशन ते तनक़ीद कंदे चयो त कुझु माण्हुनि मुल्की नाणे जे फुलट करे पैसा परॾे मुंतक़िल कया अॼु पाकिस्तान तारीख़ी कर्ज़ जे वर चढ़ियल आहे हुकूमत में अचण बाद असां ॾुखिया फ़ैसिला कया आहिनि जिंदाबाद आगरे मिलत जिंदाबाद आगरे मिलत जिंदाबाद
कराची की मकामी अदालत नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर खिलाफ़ मजार कायद बेहुरमती केस खारिज करने जो हुक्म दे छोड़ो। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पुलिस पारा केस बी क्लास करने वाली रिपोर्ट से महफूज कल फैसलो बुधा। अदालती फैसले में है शाहिदन में वाजे थी वो तो केस के हलण वक्त विञाइणो हों। अदालती फैसले में इो भी जाना वो तो मजार कायद की सिक्योरिटी इंचार्ज आई तिलावत कंदर कारी शमसुद्दीन के बयान मूजिब उन भंजड़ा ना डिठी रुगो वोट के इज्जत दियो जा नारा बुधा। नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने फौज के खिलाफ बयानियां दे के इमरान खान की खिदमत की है। सिर्फ अक्ल की बात है, अकल एक दीवार के सामने है कि घड़ी नजर आ रही है, एक दीवार के पीछे देखने की सलाहियत है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतना शफाफ इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है वो होते हुए नहीं देखा। दो दो वोटों पे और एक एक वोटों पे उम्मीदवार जीते हैं, जो इस बात का सबूत है कि जमहूरियत जीती है। हजूर मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान की और अपोजिशन की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान समेत सब लोगों से बात की जाए। अदारों से टकरा कर उन्होंने अपनी सियासत को दफन किया, को खिदमत नहीं की। पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है, आसिफ जरदारी ने ताश छाती के साथ लगा के खेले हैं। वो बर्कले, हार्वर्ड और एसेक और सेसेक से उसने सारी उस्तादियां पढ़ी हुई हैं। नवाज शरीफ आई मरियम नवाज इदारों खिलाफ गाल है, इमरान खान की मदद कही। गिलगित इलेक्शन में जमहूरियत की सोभ थी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में समझ हुए हाँ तो इलेक्शन का आगे इतिहाद कर वन हाँ। रेलवे वाले वफाकी वजीर शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेख रशीद चाहिए जिंदगी में गिलगित जड़ी साफ और शफाफ इलेक्शन ना डिठी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ इदारों खिलाफ़ गालहाइंदा रहा, आवाम सदन बयानियों रद्द कर छोड़ो। आसिफ जरदारी सुठी प्लानिंग कई, शेख रशीद चाहिए तो कराची सर्कुलर रेलवे सुभाने का शुरू कर रहा हूँ। पिपरी खान सिटी स्टेशन तीन ट्रेन हलंदी, असा अठन महीनों में ट्रैक टाए छड़ा, हाँ अंडरपास ठाण सिंध हुकूमत की जिम्मेवारी है। पीडीएम जो एक ही एजेंडा है तो केस खत्म करायो, अदलिया भी वह आजाद है जो उन्हें रिलीफ दे। सुध समा बारे वफाकी वजीर शिवली फराज जो ट्वीट, वफाकी वजीर चाहिए इलेक्शन ऑपोजिशन खटे तो वह शफाफ और हुकूमत खटे तो धांधली, यो जमहूरी न पर आमराणो रवैयो है। इमरान खान इदारों के आजाद है, खुद मुख्तियार कर छो है, हाँ इदारा कें खानदान के मातहत ना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हयाती के खतरो है, रिस्क ना खी सकूँ। सिंध हाई कोर्ट पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करने जो हुक्म दे छोड़ो। बिलावल भुट्टो जरदारी के जाती मुहाफिज रखण और कारन शीशन वाली गाड़ी इस्तेमाल करण की भी इजाजत। बिलावल के वकील अदालत के बुधा तो पीपी चेयरमैन और संदस रहायशगाह से संगीन नोयत जहा सिक्योरिटी खदशा। जस्टिस के आगार मार्क्स दिना तो रिपोर्ट्स में लगी रो है तो बिलावल भुट्टो जरदारी की हयाती के खतरो है, अड़ी सूरत हाल में देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी 2016 में सिक्योरिटी फ्राहम करने की दरख्वास्त दिनी हुई, सिक्योरिटी फ्राहम करण बाबत वफाकी हुकूमत अना तक पॉलिसी पेश ना कर सकी। अगोणे सदर आसिफ अली जरदारी अब्दुल गनी मजीद की पार्कलैंड रेफरेंसिस में एक ढी हाजिरी का छूट वाली दरख्वास्त मंजूर। बुधनी दौरान आसिफ जरदारी जो वकील फारूक एच नायक पेश न थो, संदस मुआविन वकील पारा बुधनी मुलतवी करण की इस्तदा। एहतसाब अदालत वकीलन के सुभाने हाजिरी यकीनी बनाने जो हुक्म दींदे रिमार्क्स दिना है तो शाहिदन जो बयान रिकॉर्ड करण वारो अमल न रोको वे। नाज़रीन टाइम न्यूज़ से गए आऊँ हाँ ताहिरा बदी हेडलाइन से वेठी हूँ, तफ़सीली खबरों शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।